ये बेटी और माँ कितने लक मानते हैं कि दोनों एक साथ स्टार्ट किया करियर नवरश से, क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लगा अपनी सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। उसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, या प्रवीण बताएगा। मैम आप बताना चाहते हैं कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिले? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ हुई। सो ब्लेसिंग। किस तरह परमिशन से आपसे मुलाकात, तो किस तरह आपको काम मिला? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसमें मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं उनको जीजू ही बुलाती हूँ, सो तब से जानती हूँ मैं इनको, सुंदर जीजू, दैट्स हाउ आई नो हिम। तो आप सर आप बताइए सर, कितने आप लक मानते हैं कि दोनों आपके साथ जीजू बुलाते थे वहाँ साथ में आपको काम करने, आपको भी कितना लक मानते हैं आप? मुझे तो मतलब ब्यूटीफुल सोल का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा लक है। मतलब आंटी जी, आंटी जी और श्रेया, मतलब इतने प्यारे सोल है। और जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर हैं एस के एच पटेल सर, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी, हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ्लाइट के ट्रैवल नहीं करती, हमें इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा चू तक नहीं किया, बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब माँ ही है मेरी, मैं तो बोला भी श्रेया को मैं माँ ही बोलूँगा इनको, वो इतनी ब्लेसिंग देती थी, वो हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे श्रेया और हमने, मतलब हमारा मतलब 10-15 दिन हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किए, खूब बातें किए, खूब जानने की कोशिश की है कहानी क्या है, तो एक पुराना एक प्रोसेस से गए, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है, तो ये और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना मतलब बेहतरीन कलाकार हैं, आंटी जी जैसे हैं, श्रेया हैं, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, और मतलब आंटी जी का होना और श्रेया का होना अपने आप में मतलब ब्लेसिंग है। रिलीज से पहले 55 आपका अवार्ड मिल चुका है जी, और रिलीज के बाद लगता है 100 क्रॉस करेंगे, कुछ लग रहा है इस तरह की पिक्चर है। 101 शगुन के 101 होंगे। क्या बोलना चाहते सर, कितने एक्साइटमेंट? देखिए मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार रहना, नियत अच्छी रखना, और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से हजार काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं तो मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इसमें मैजिक है, इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले, तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ही ये कि ऑनेस्टी, जैसे आप आंटी जी को देखेंगे, श्रेया को देखेंगे, प्राची को, रेवती को, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब बड़े ना खूबसूरत सोल हैं, वो बहुत है ना ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी है ना बोलती है, जब हम एक्टिंग भी सिखाते हैं यू फील आई फील, उसी तरह से ऑनेस्टी भी यू फील आई फील, ऑनेस्टी का वो होता है, तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों को। सर आप इसमें एक्टिंग भी की हो, डायरेक्शन भी की हो, और देखा जाए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में, इतनी सारे माइंड कितने आपने मतलब किया? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है, हम 2 रुपए लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपए और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपए लगाते वक्त वो 2 रुपए 10 रुपए में नहीं बदलने चाहिए, वो 2 रुपए 2 रुपए ही रहने चाहिए, तो ही मतलब है फिल्म मेकिंग। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं, मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लू प्रिंट उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान ए बी सी डी रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है मैं रिवील नहीं करूंगा, आंटी जी बताएंगे, उसमें मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था, ए बी हमारा डीओपी कहता था अरे मैं को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है ये बताओ, तो मैं इतना ज्यादा क्लियर रहता था, तो उसी क्लियरिटी की वजह से ये मतलब कंट्रोल उसमें ये बनी है। और
लोगों को पसंद आ रही है, और मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती थी एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। मेरे दिमाग में ये भी रहता था कितनी दालें आ रही हैं, कितना राशन आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, और कितना मतलब वैनिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। बट ब्लेस ये था कि इतने टाइम से मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, तो एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था, जो मतलब जो कहानी का किरदार था, तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया है, तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है, तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए हैं, सेकेंड हैंड ऑटो, और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100-100 रुपये दे के भाई मुझे चलाने दे, ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से उस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिस हुई ना, मतलब आपका बिफोर शूट पे जाने से पहले जो हमारा पेपर वर्क होता था, उसने हमें मतलब बहुत ही स्मूथली शूट होने दी। सर इसके सर पटेल सर, आप जो 100% भरोसा है कि आपने परवीन जी पे तो उसको उतरे, 100% आपको भरोसा पूरा कायम है? कायम है सर। पिक्चर के लिए कितने समय, क्या बोलना चाहते थे माननीय अधिकारी एक्टर सब आपके साथ काम के, क्या बोलना चाहते हैं आप इनके लिए? ये तो उनकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली में काम किया है, तो यही अच्छा है कि फैमिली समझ के सबने काम किया है। काम होने का अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आएगा, आ चुका है रिजल्ट आपके सामने, 55 अवार्ड है, रिजल्ट आपके सामने है। तो आप क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं, कितना आपको प्यार मिलना चाहिए पिक्चर से? और मेरे को 120% प्यार मिलना चाहिए भाई। ठीक है मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं करेक्टर के बारे में? आप अपने कुछ करेक्टर के बारे में, किस तरह करेक्टर आपको बता सकते हैं? मैं एक सास का कैरेक्टर है, जो देखने में लगेगा शुरू में कि उसको पूरी तरह से अत्याचार उन पे किया जा रहा है, वो इतनी बीमार हैं, बहू और उनकी आपस में खटपट है, लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो कैसा किरदार है। मतलब बहुत अच्छा लगा। कितना थिएटरों में लिरिक्स कर रहे हैं और आप कितने गाने हैं इसमें? हम इसमें 5 गाने हैं, और पहले 3 थे, पर जब हमने थिएट्रिकल जाने लगे तो फिर हमने इसका रैप सॉन्ग एक कर भी करवाया, जिसको फवाद भिवंडी वाला जी ने गाया है, और एक पापा के ऊपर एक कहानी है जिसमें बेटे ने अपने बाप का नाम हूँ कर दिया। जैसे हम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे, जैसे मैं आपको कह रहा सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका मैसेज आएगा HMM हूँ, तो बेटे ने बाप का नाम हूँ कर दिया, तो उसके ऊपर एक गाना लिखा, मैं हूँ नहीं मैं ही तो हूँ पापा तेरा। हर मसाला आप कोशिश कर रहे हैं पिक्चर में, ऑल इंडिया रिलीज हो रही है? ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, और 300 थिएटर से रिलीज हो रही है, और सिनेपोलिस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेम मीडिया, नजमा जी और वसीम जी, ये हमारे हनुमान है, ये हमारी फीमेल हनुमान है, वो हमारे मेल हनुमान है, मतलब कुछ भी इनको बोलो ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब हम आज के आपके सामने मैं तब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेवल करने जा रहे हैं 8 तारीख को। जब मैंने ये सपना बताया इनको, जनरली PR होते हैं अरे यार क्या करोगे थक जाओगे पागल हो गया, ये उल्टा एक्साइटेड हो गए, अरे वाह क्या मजा आएगा, ये है वो है वो है। तो मुझे ऐसे ही मतलब वॉरियर लोग चाहिए थे, क्योंकि ये पूरे भूखे लोगों की टीम है, तो मुझे PR और मार्केटिंग टीम भी ऐसी मतलब खतरनाक मिली, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान बनाया है, आने वाले टाइम में इनके पास वक्त नहीं रहने वाला। कहाँ शूट हुआ ये? ऑल ओवर इंडिया में शूट हुआ है, और मैंने अपने विजन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब जो मेरे यहाँ पे था, दिल में था, मैंने वो किया। जैसे कश्मीर में मुझे बर्फ चाहिए थी, तो मैं लिटरली बर्फ के वहाँ पे जाके शूट किया। भगत सिंह की कहानी वीरता, मतलब वीरस भगत सिंह से बड़ा कोई वीरता का प्रमाण नहीं है, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट देते हुए भगत सिंह के सामने मतलब उनके घर के पास जाके मत्था टेक के शूट किया वहां पर। और हम अभी 14 तारीख को जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो भगत सिंह जी के ऊपर एक गाना है, वो भी हम रिलीज करने जा रहे हैं उस टाइम पे। और इसको हमने ताजमहल में शूट किया, अद्भुत रस की जो हमारी कहानी थी, तो ताजमहल में शूट किया। फिर हमने इसको दिल्ली में शूट किया, गुजरात में शूट किया, मुंबई में शूट किया, महाराष्ट्र में शूट किया। तो इस तरह से हमने इसको खूबसूरत गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि एज एन डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है लुक एंड फील बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो आपको ये बहुत मतलब ये कम में बम है, हमने इसको कम में बम बनाया। नवरस जो नाम रखे, क्या था जो आपने टाइटल रखा? नवरस देखिए हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, नवरस यानी 9 इमोशंस। 9 इमोशंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, विवश होते हैं, हम शांत रस में मतलब पेटर्नल लव भी होता है। तो ये 9 रस हमारे जीवन का हिस्सा है, 9 रसों को लेते हुए हमने 9
कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देने की कोशिश की है, रेप के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और शांत रस के ऊपर, मतलब उस तरह से हमने पूरे 9 कुरीतियों पे मैसेज देने की कोशिश की है कि, और एज एन फिल्म मेकर हम चाहते हैं कि मतलब समाज में परिवर्तन आए और हमारी फिल्म देख कर थोड़े से लोगों में भी परिवर्तन आ गया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। सर सेंसर हो गया? सर सेंसर हो गया जी, सेंसर के लिए गई भी और जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है आपको आजकल जो सेंसर का जो, मुझे ऐसा लगता है मैं यस में बिलीव करता हूँ तो सेंसर भी होगा, क्यों नहीं होगा, हमारे ट्रेलर का सेंसर ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेलर का सेंसर आ चुका है हमारा और हम इसको मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ग्राउंड लेवल पे हम बहुत मेहनत करने जा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा कठिन होता है मतलब फिल्म रिलीज करना और वो सब चीज़ें करना, तो हम मतलब हमारे पास पैशन है और उस पैशन को लेके हम निकल रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपने आप को, भारत को समर्पित कर रहे हैं, ये भारत का सिनेमा है, भारत तक पहुंचाएंगे 18 अक्टूबर। आखिर में कोई मैसेज देना चाहता है, फैंस काफी स्ट्रांग है मैम, काफी रीडेड मूवी के लोग तो मैसेज देना चाहते हैं, क्यों देखने हैं? नहीं अच्छा है क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि सब ये फिल्म देखें क्योंकि मैं इस चीज में विश्वास रखती हूँ कि हम एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं सबका, पर एज एन आर्टिस्ट एज एक्टर्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे उस एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत मैसेज, एक शुगर कोटेड गोली जो है सबको मिलनी चाहिए कि ताकि आप कुछ तो सीख सकें, भाषण तो नहीं दे सकते उस कहानी के जरिए, उन रसों के जरिए जब बोलेंगे तो बहुत आसानी से और खेल खेल में बातें समझ आ जाएंगी। क्या बात तो है? जरूर देखिए फिल्म। थैंक यू मैम। भिंडी या पनीर है कि नहीं जी? भिंडी या पनीर? अरे स्टोरी अब इतना महंगा हो गया, भिंडी पनीर कहाँ से देंगे बेचारे वो प्रोड्यूसर। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ प्रवीण की, हम लोग पहले मिले थे तो कुछ बातें हो रही थी कि कैसे एड्स में जाओ तो कुछ एक टेबल पे खाना रखा रहता है जो खाली कैमरामैन डायरेक्टर उनके लिए होता है और हमारे टेक्नीशियंस होते हैं लाइट वाले कैमरा वाले सब, तो मैंने ऐसे ही प्रवीण से कहा, मैंने कहा हाँ सच में क्या जाता है ना, अगर उनको भी बीच में कुछ एक गुड़चना ही भर के रख दें जो वो एक एक मुट्ठी खा लेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और थोड़ा सहारा भी। तो जब मैं शूट पे पहुंची थी तो प्रवीण ने गुड़ और चने डिब्बों में सबके लिए रखवाए हुए थे जिनको टेबल पे पड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी निकाल के उसमें से खा सकता था। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। पहले आप एक एक्टर हो, एक्टर और डायरेक्टर राइटर के काम आपने देखा, क्या आप देना चाहते हैं? प्रवीण को मैं 2009 से जानती हूँ और आज यहाँ पर जो हम सब ने देखा वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ मैजिक था जो प्रवीण का पोटेंशियल है स्क्रीन पर क्रिएट करने का, तो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट ये एक्सपेक्टेड था, मैं आपसे इससे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, सो वेल डन प्रवीण। थैंक यू। एंड इतने सालों से एज एन एक्टर मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्टर की लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली उस दौरान जब वो काम कर रहे होते हैं और फिर एक दौर आता है जहाँ पर आपका फेम डिप हो जाता है, तो वी ऑल नो व्हाट पीपल गो थ्रू राइट, आप लोग स्पेशली बिकॉज यू ऑल हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द जर्नीज ऑफ एक्टर्स फॉर सो लॉन्ग। एंड ये प्रवीण ने, प्रवीण के अंदर और जो उन्होंने ये टीम इकट्ठी की है ना, दे आर लाइक ऑल लाइक दिस भूखे शेर जो बस वेट कर रहे थे इस मौके का, एंड आई एम श्योर दैट ऑन 18th of October ऑल ऑफ अस आर, यू आर गोइंग क्रिएट हिस्ट्री, आई एम श्योर अबाउट दैट। एक नया बेंचमार्क क्रिएट होगा, एक नया माइलस्टोन क्रिएट होने वाला है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन इन दिस फिल्म एंड वेरी प्राउड ऑफ यू प्रवीण। एस्पेशली प्रवीण हैज रिसेंटली लॉस्ट हिज मम और हम सब जानते हैं कि एक माँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब उसका बेटा एक ऐसा माइलस्टोन एक ऐसे पड़ाव पर आए जो माँ ने पूरी जिंदगी वेट किया और जिस पल का, सो आज वो पल है एंड आई एम श्योर आंटी हमारे साथ हैं एंड हम सब उनके लिए प्रे करें एंड आपके थ्रू आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू गो वायरल एंड दिस हैज टू रीच प्लेसेस, दिस न्यूज हैज टू गो एवरी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर एंड कांग्रेट्स प्रवीण। थैंक यू। प्रवीण जी, द कास्ट ऑफ दिस फिल्म इज वेरी डाइवर्स एंड टैलेंटेड, सो हाउ मच वाज द चैलेंज टू गेट देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म? मुझे जैसे मैंने बोला मैं यस में बिलीव करता हूँ और आप सच्चे मन से कोई चीज मांगो या सच्चे मन से आप बात करो ना किसी से भी, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप बहुत ही मतलब यहाँ से बात करोगे ना तो वहाँ तक बात पहुँचती है, तो मैंने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी कहानी है और मैं आपको चाहता हूँ। तो आंटी जी को भी जब मैंने सुनाया तो उन्हें कहा करते हैं, शिवाजी को भी जब सुनाया तो उन्हें कहा करते हैं, राजेश शर्मा सर को भी सुनाया तो उन्हें करते हैं, तो सबने यस ही कहा क्योंकि मैंने नो सुना ही नहीं था और ना मैं बिलीव करता ही नहीं।
प्रवीण जी, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज पता चला है कि 55 अवार्ड तो पहले मिल चुका है, 3 अवार्ड आपको और मिलने वाला है, किस जी हाँ वो मिलने वाले हैं बताने प्लीज। ये मतलब मुझे बताया नहीं उन्होंने, मोहन जी ने, तीन अवार्ड हमारे हुए हैं, वो शायद बाहर होंगे मोहन जी, वो चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़े बढ़ते जा रहे हैं आपका खुशियां के। मैम आपके बताना चाहते हैं, आपने देखा, आपने ट्रेलर देखा, आपने काफी से तानिया सिटी बजा, आपने ट्रेलर देखकर के, मैं आफ्टर वॉचिंग दी ट्रेलर मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, बिकॉज ये इतना अच्छा है। और एक नौ रस, पहली बात तो आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा नौ रस क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में नॉलेज भी है कि नौ रस क्या है, और उसको प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी एक ही मतलब दो घंटे में नौ रस प्ले करना और उसको जताना, तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब प्रवीण, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। रेवती, रेवती, तालिया सिटी का स्वागत हुआ, आपने भी देखा, क्या आपका खास ना क्या बनाया देना चाहते हैं? मेरे लिए तो मतलब ये गूज़बम जैसा था, बिकॉज दिस इज ऑल कम्प्लीट नॉट मूवी, इट्स लाइक प्रेजेंटिंग थिएटर इन फॉर्म ऑफ मूवी, जो बहुत ही मतलब मुझे शायद मेरे करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। नौ रस जितना सुनने में आसान लगता है, एक एक एक्टर को पूरी जिंदगी निकल जाती है एक रस के ऊपर आई थिंक काम करने के लिए, और इन्होंने नौ रस एक मतलब यू नो 3 आवर्स में, आई डोंट नो द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी, लाइक 2 आवर्स 20 मिनट्स में दिखाए, जो बहुत ही बड़ी बात है। और सभी मतलब फैबुलस एक्टर्स हैं, मतलब लाइक परितोष त्रिपाठी सर, इट्स अ बेस्ट टीम, मतलब I wish to see this movie before 18th of October. Sir, मूवी तो सर बहुत अच्छी है, मैंने मतलब बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी मूवी देखी है, और सब इतने मंझे हुए एक्टर हैं, तो मतलब बहुत मजा आएगा। तो दुख है मुझे कि मैं उस टाइम सर से नहीं मिली, थोड़ा सा है मुझे इस बात का दुख, तो शायद कहीं सर मुझे यहाँ वहाँ पे एडजस्ट कर देते। तो बहुत अच्छी मूवी बनाई सर आपने, गूज़बम्स आ गए थे लिटरली मेरे को। आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कैरेक्टर प्ले करके चले जाओ और आपको कोई नोटिस बना, मतलब नोटिस हासिल, मतलब कोई पहचान ना पाए। एंड ऑनेस्टली सर, आई स्वेयर टू गॉड, मैं अभी इसे यही पूछ रहा था कि मतलब आपको देखा मैंने कहाँ पे, बिकॉज द ट्रेलर इज सो गुड एंड द एक्टिंग ऑब्वियसली सर, हैट्स ऑफ, आई लव्ड इट, एवरी सेकेंड वॉज ब्रेथ टेकिंग एंड आई लव द ट्रेलर, एंड आई स्वेयर, आई मीन इतना अच्छा ट्रेलर है तो ऑब्वियसली फिल्म इज गोना बी अ बूम। बस जिस तरह से अभी टीजर में आप सब लोगों ने प्यार दिया, तो फैन से भी मैं यही कहूंगा कि इसी तरह से 18 अक्टूबर को मूवी रिलीज है, तो सब अपना प्यार दें और थिएटर में जाके फिल्म को देखें। हमने जो कैरेक्टर के बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं क्या, कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? कैरेक्टर के बारे में तो अभी मुझे खुद को ज्यादा पता नहीं है, एक कैरेक्टर है, जेलर है, जेल का फहीम नाम है कैरेक्टर का, और प्रवीण सर के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम के साथ काम करना, मजा आया काफी, क्योंकि ये डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी हैं, तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि एक सामने वाले एक्टर की फीलिंग को समझ पाते हैं, ये एक जो फ्रीडम होती है एक एक्टर को चाहिए वो ये देते हैं एज एन एक्टर, ये उसकी बातें समझ लेते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए बहुत मजा आता है काम करके। एंड आप सबसे यही कहेंगे कि बस हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक पहुंचाएं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, सोशल मीडिया का, तो उसके थ्रू लोगों को पता चले कि बस नवरस कथा कॉलाज करके एक फिल्म आ रही है। तो सर इतना साथ आप लोगों का शूट दौरान आप दोनों में कुछ बॉन्डिंग कुछ आप शेयर करना चाहो, मीन हैंड सीन, आप दोनों में एक्टर भी है और आपका दोस्त भी है, तो कुछ हैंड सीन, मतलब हमें, मुझे तो इनके साथ काम करके ऐसा लगता नहीं है मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है एक फैमिली मेंबर है, और एक पूरी टीम जो हो जाती है ना, फैमिली की तरह ही काम कर रहे थे हम लोग, तो वैसे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस लगे नहीं एज एन एक्टर और डायरेक्टर, कुछ मैं कभी देख नहीं पाया उस तरह से, बट बहुत मजा आया काम करके, क्योंकि एज एन एक्टर ये सीन को उस तरह से समझा देते हैं फील करके, क्योंकि खुद एक्टर है, डायरेक्टर से पहले एक्टर नहीं है, तो इसलिए काफी कंफर्टेबल कर देते हैं एक्टर को, तो बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा काम करके उनके साथ। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं आज आगे पिक्चर के बारे में, किस तरह किरदार है, किरदार के बारे में बताएं? पिक्चर का मतलब अब सिर्फ ट्रेलर देखा है एंड वही बहुत एक्साइटिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, सर को 9 डिफरेंट पार्ट्स 9 डिफरेंट अवतार में देखने में
वो अलग ही मजा था. इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर. बट मेरे पार्ट के अलावा मैं कितना बोल सकती हूँ मुझे आप बता दूँ. मैं उसके हिसाब से बोलूंगी फिर. ज्यादा नहीं बोल सकते. बट इतना ही कहूंगी कि आई एम प्लेइंग हिज डॉटर. इतना तो बोल सकते. हाँ, आई एम प्लेइंग हिज डॉटर. एंड और जब हमने वर्कशॉप भी की थी, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई थी लुक टेस्ट के लिए, तो मतलब थोड़ा हमारे पास टाइम की कमी थी. और मतलब जब ये आई तो मैंने इनको ना लिटरली बेटी की तरह ट्रीट किया, तो इसलिए मेरे मुंह से अभी बेटा बेटा निकल रहा है. सर मुझे नाम से कभी बुलाते नहीं है, सर मुझे सिर्फ बेटा बुलाते हैं. तो दैट इज द स्वीटेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे आज से किसी डायरेक्टर ने इतने प्यार से, तो ये नहीं प्यार से कभी बुलाया. वैसा इनका नेचर है, मुझे भी नेचर ही वैसा है. मुझे भी शाजी पाजी कह के बुलाते हैं, शाजी चौधरी करके कभी कभी नहीं बुलाया. तो ये इनका थोड़ा सा स्वीट नेचर है वैसा, तो ये अच्छी बात है. मतलब एक्टर भी ये, डायरेक्टर भी ये, टू मल्टी टैलेंटेड है. और इन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करना इज एक्चुअली ट्रूली एन ऑनर. सो थैंक यू. किस रस में हो आप? श्रृंगार. आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका फादर इतने बड़े धमाका फेंकने जा रहे हैं हिंदुस्तान में. अंकल आइए ना. पापा तो मतलब क्या बोलूं, ऑल द बेस्ट. आपने भी एक्टिंग किया, मैं देखा मैंने प्रोमो में. क्या है एक्टिंग, क्या है बताओ, कैरेक्टर क्या है? आई कैन से अगेन, मैंने इनका बेटे का रोल ही करा है. सो आगे तो बाकी आप मूवी में ही देखना. आप उस समय प्रोड्यूसर के रूप में थे या एक्टर के रूप में थे जो आपने एक्टिंग किया था? किस कैसे लगा आपको दोनों चीज? आप मैं पूरा एक्टर के रूप में ही था. पापा ने फोन छीन लिया था, सब कर लिया था कि एक्टिंग करनी है. तो एनी सर, एनी लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, काफी सारे फ्रेंड्स हैं आपका खासतौर पे. जिस तरह से अब तक ऑडियंस ने प्यार दिया है, उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही इस फिल्म के लिए भी अपना स्नेह और प्यार दें. सो थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. नमस्ते सर. ये है चंबल फिल्म फेस्टिवल के 3 अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म जो जाता है. कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टेड कॉन्ग्रेचुलेशन. द बेस्ट फीचर फिल्म जो जाता है नवरस तथा कोलाज. और सेकेंड है फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस विच गोज टू रेवती. कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विच गोज टू स्वर हिंगोनिया. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. ये सो एंजॉय दिस विन. मेरा, मैं रोद्र रस में हूँ और ज्यादा रिवील नहीं करूंगा कैरेक्टर, जो भी आप फिल्म देखिएगा. बड़े दिल से और बड़े प्यार से बनाई हुई है फिल्म, तभी ये दिल तक पहुंच रही है. वरना इतने सारे अवार्ड्स आप खरीद नहीं सकते. ये दिल से मिले हैं ना, छोटी फिल्म तो वैसे नहीं खरीद सकते अवार्ड. तो ये जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, कुछ तो है ना फिल्म में. तो ये रिलीज हो रही है, तो आप लोग जाइए और देखिए. और इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप एक पावर दीजिए कि ताकि लोग ऐसी जरूरत करते रहे अच्छी फिल्में बनाने की. थैंक यू सर. थैंक यू. प्रवीण जी सपने इनके एक्टर है, इनकी इनकी कॉस्ट्यूम होने की शुरुआत हुई थी पेटीकोट से. पेटीकोट का बिल 400 रुपए का आ गया था. उन्होंने कहा 400 का तो होता ही नहीं, 100 रुपए का है. तो 100 का नहीं, 80 का. मैंने कहा 80 रुपए का आता है. वहाँ से मतलब ये म्यूजिक, बेसिकली म्यूजिक सिखाती है. तो हम घर से ही फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने फिर जिम्मेदारी ली कि चलो हम करते हैं. और इन्होंने इतना बेहतरीन कॉस्ट्यूम किया, मतलब हमारा जो श्रृंगार रस की कहानी है उसके लिए मतलब हम लिटरली लोकल मार्केट में गई हैं, वहाँ से साड़ियाँ उठाई, ताकि हम चाहते थे बड़ा रियल लगे. जैसे ऑटो वाली ड्रेस के लिए हमारे पे भयंदर के पास है ना, वो सड़क पे वो मिलते हैं, वो पुराने कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ से उन्होंने ऑटो के कपड़े उठाए ताकि वो ऑथेंटिसिटी दिखे. तो उस लेवल पे उन्होंने जाके काम किया. मेरे भी हाथ पे नहीं कुछ बोले. कितना सफलता मिल रहा है बताइए. बस बहुत खुशी हो रही है आज ये सब देखकर. अभी बस ये आगे फिल्म बहुत हिट हो, बस मजा आ जाए, बस ऐसा कुछ हो चमत्कार. मेजरली क्या होता है कि प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज करते हैं, पहले बनाते हैं फिर रिलीज करते हैं. शायद हमारी ऐसी फिल्म होगी ये पहली कि ऑडियंस के डिमांड पे फिल्म रिलीज़ हो रही है. हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई जिसमें अवार्ड जीते, लोगों के इमोशंस दिखे, लोगों के फेस्टिवल में आए हुए लोगों ने ये बात बोली कि आप इस फिल्म को लाइए. प्रोड्यूसर साहब तक ये बात गई. हमने उसका वीडियो हमारे आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी वीडियो, लोगों के इमोशंस मिल जाएंगे. ये आम पब्लिक के लोगों के हैं, कोई पेड नहीं. जो फेस्टिवल वगैरह में आए थे उन लोगों ने बोला कि आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाइए. मंडी हिमाचल में एक जगह है जहाँ पे एक ही थिएटर है, जिसके ओनर ने ये बात बोली कि अगर आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाते हैं
उस तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था। अगर आप थिएटर में लगाते हैं तो चाहे कितने बड़े स्टार की फिल्म क्यों ना हो, वो फिल्म हम हटा के हम आपकी फिल्म चलाएंगे, हम आपको सोच देंगे। मतलब ये हमारी जीत थी और ये हमारी सबसे पहली जीत थी जिसकी तरफ हम ये पहुंचे कि हम ये फिल्म थिएटर में लगाएंगे। और अंकल जी मुझे पूरा मेहनत करते हुए देख रहे थे, हम पहले OTT पे बहुत पिच कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक अलग यात्रा होती है संघर्ष की, वो चल रही थी। और अंकल जी ने एक ही बात बोली कि प्रवीण मैं तेरी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब वो तो कह रहे थे कि चल दिवाली पे भिड़ते हैं देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं अभी दिवाली के दो हफ्ते पहले आते हैं और दुनिया के सामने। टीम को बहुत बहुत बधाई हो सर, बेस्ट ऑफ लक।